नमस्कार, मैं रोज। आज मैं आप लोगों को एक सीन में ले चलती हूँ। जगह यरूशलेम। रोज की तरह सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कुछ घरों के सामने भेड़ बकरियों की आवाज सुनाई दे रही है, खुले आसमान में पक्षियों का उड़ना, उनके चहचहाने की आवाज। राजा हेरोद के द्वारा बनाया मंदिर, यह आलय दिखने में बड़ा ही मनोहर था। सोने और कीमती पत्थरों से बना। जब सूर्य उगता है तो उसका जो रिफ्लेक्शन है ऐसे आलय में पड़ता है कि उसकी सुंदरता लोगों को मंत्रमुग्ध कर जाए। शहर के बाहर से ही ये दृश्य दिखाई देता था। लोग दूर दूर से परमेश्वर की आराधना करने यहाँ पहुंचा करते थे। उस दिन भी रोज की तरह पुरोहित अपने अपना काम कर रहे हैं। एक साइड लोग अपने पापों के परिहार के लिए भेंट चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, कहीं मेमने और बछड़े की मिमियाने की आवाज, कहीं लोगों के शोरगुल, कहीं रिचुअल का निभाया जाना, तो कहीं प्रार्थना कि मसीहा कब आएगा, हमें रोम के अधिकार से कब छुड़ाएगा। आलय एक ऐसा जगह जहाँ परमेश्वर बसता है, उनका प्रेजेंस होता है। मगर आज वो दिन है जब एक कुंवारी का गर्भ परमेश्वर का आलय बनने जा रहा है। पहली बार मानव जाति के इतिहास में ऐसा होने वाला है कि एक सृष्टि अपने अंदर अपने सृष्टिकर्ता को ग्रहण करने जा रहा है। फिलिप्पियों 2:6-7, यद्यपि मसीह परमेश्वर स्वरूप थे, फिर भी उन्होंने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने अधिकार में करने की वस्तु नहीं समझा, वरन दास का स्वरूप ग्रहण कर उन्होंने अपने को रिक्त कर दिया और वह मनुष्यों के समान बन गए। मुझे याद आ रहा है वो एक दिन जब सुलेमान ने परमेश्वर के लिए मंदिर बना उसके समर्पण की प्रार्थना की, और यहोवा का तेज भवन में भर गया और याचक तक भवन में प्रवेश न कर सके। और एक ये दिन जहां एक साइड पूरी महिमा और गर्व के साथ खड़े आलय को छोड़ एक कुंवारी लड़की के पास एक संदेश आया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। एक माटी के देह का मंदिर बन जाने का पहला एक्सपीरियंस, जैसे पहले कुरिन्थियों 6:19 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। माटी का बर्तन जब आलय बन जाए तो वो अपना अब रह ही नहीं सकता। मरियम का भी नहीं रहा और हम भी नहीं रह सकते। जैसे पहला पत्रस 2:4-5 में कहते हैं, यीशु मसीह के निकट आओ, वह सजीव पत्थर है। तुम भी सजीव पत्थर के समान एक आध्यात्मिक मंदिर के रूप में बनाए जा रहे हो। सजीव या जीवित पत्थर के करीब जाने से साधारण निर्जीव पत्थर में भी उसका जीवन आ जाता है। जैसे काफी समय तक लोहे को चुंबक के पास रखा जाता है तो उसमें भी चुंबक का सा स्वभाव दिखने लग जाता है। तो मरियम, जिसने परमेश्वर के पुत्र को अपने में अपनाया था, उसमें भी तो चुंबक का असर आया ही होगा। मरियम की जगह कोई और होती तो स्वर्गदूत के इस विसिट को ढिंडोरा पीट कर थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बोल रही होती, सुनो मैं अब कोई साधारण लड़की नहीं रही, स्वर्गदूत ने कहा है, या फिर सुनो मैं परमेश्वर के पुत्र की माँ। मगर वो स्थिर रही। समय से पहले उसने कुछ नहीं कहा। मरियम ने सब अपने दिल में संजोए रखा। जैसे समय से पहले प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को अपने बारे में बताने से इनकार कर दिया, स्थिर रहना और समय से पहले ना बोलना हमें सीखना होगा। हम अपनी उत्सुकता या इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते और बस बढ़ा चढ़ा कर बातें करने लग जाते हैं। 1 कुरिन्थियों 6:7 कहता है, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, क्योंकि वो राजा जिसे उसने अपने गर्भ में जगह दी उसने अन्याय भी चुपचाप सह लिया। लोगों ने क्या क्या किया, क्या क्या कहा, मगर क्रूस तक की वो भयानक दर्दनाक मौत को भी हमारे पापों के लिए सह गए। मरियम में भी था उस चुंबक का असर, चुपचाप सह गई सब। लोगों ने कितने ही ताने मारे होंगे, ना जाने क्या क्या सवाल और क्या क्या नाम दिए होंगे, जिसकी वो हकदार भी तो नहीं थी। ऐसे एक जगह में यीशु को जन्म देना जहां उसके चारों तरफ कई आंखें उसकी ओर गड़ी होगी। तभी एक फरमान आया, बेतलहम को जाना है नाम दर्ज करने के लिए। वो चुपचाप सब सह गई, ना दुनिया से लड़ी, ना परमेश्वर से कि मुझसे तो कहा था ना कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ, ये कैसा अनुग्रह और कैसा सौभाग्य, पहली बार जन्म दे रही अपने नवजात शिशु को, ना तो माँ पास है और ना कोई रिश्तेदार, सिर्फ यूसुफ। ये अन्याय जैसा तो था ना जन्म दिए बेटे को अपने आंखों के सामने क्रूस पर यूं दर्द में देखना। जैसे भजन 46:10 कहता है, शांत हो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ।
मरियम चुप रहकर जान ली कि वो जो आया है वो कौन है। मैंने मरियम जैसी स्थिर, शांत और विनम्र व्यक्ति बहुत ही कम देखे। आखिर होती कैसे नहीं, क्योंकि उसमें भी तो मसीह का रंग चढ़ गया था। गलातियों 4:4 कहता है, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। परमेश्वर का पुत्र का आना कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये तो पहले से ही प्लान था। जब समय पूरा हुआ, ये क्या है समय का पूरा होना, इसे थोड़ा समझते हैं। पहला, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को जीत लिया था, इसलिए ग्रीक भाषा ऑलमोस्ट जगह पे बोली और समझी जाने वाली भाषा थी। इसका मतलब कम्युनिकेशन पहले से थोड़ा और आसान हो गया था, गॉस्पल का स्प्रेड होना इजी हो चुका था। दूसरा, रोम के साम्राज्य ने ट्रैवल या यात्रा के लिए बहुत सारे रास्ते बनाए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से काफी बेटर हो चुका था। तीसरा, ऑलरेडी पुराने भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां कर रखी थी कि मसीहा आने वाले हैं। यहूदी दिन और समय को कैलकुलेट कर वेट कर रहे थे एक ऐसे मसीहा का जो उन्हें रोम से छुड़ाएगा। चौथा, पुराने नियम जो अरामिक और हिब्रू लैंग्वेज में थे वो ऑलरेडी ग्रीक में ट्रांसलेट हो चुके थे और काफी मात्रा में सर्कुलेट भी हो चुके थे, मतलब हर जगह वचन पढ़ा जा चुका था। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा याकूब की भविष्यवाणी यहूदा को लेकर, उत्पत्ति 49:10, जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा। एक और वर्जन में मैं आपको पढ़कर सुनाती तो अच्छे से समझ में आएगा, जब तक राजदंड का स्वामी ना आए तब तक राजदंड यहूदा से दूर ना होगा। स्वामी मतलब मसीह के आने से पहले यहूदियों का नेशनल राइट या उनका पावर नष्ट नहीं होगा। एक्चुअल में तब तक यहूदी लोगों को अपने कुछ अधिकार हुआ करते थे, इवन किसी को मृत्यु दंड देने का अधिकार उनके पास होता था, मगर यीशु मसीह के आने के बाद यह अधिकार उनसे छिन गया था। इसलिए ही मसीह को मृत्युदंड देने के लिए उनको पिलातुस से गुहार लगानी पड़ी। उन लोगों को पता ही नहीं चला कि वो जिसकी भविष्यवाणी सालों पहले हुई थी, वो जो राजदंड का स्वामी है, वो खुद आ चुका है। कहा जाता है जब यहूदियों से उनके अधिकार छीने गए तो उन लोगों के मेन लीडर और बाकी लोग अपने पूरे शरीर में टाट लपेट राख को शरीर में लगाकर ये बोलकर शोक मनाए कि हाय हो हम पर, यहूदा का राजदंड उससे दूर हो गया मगर मसीहा नहीं आया। समय की पूर्ति में मसीहा आ चुके थे मगर उन्होंने नहीं देखा, उनके सामने थे वे मगर उन्होंने नहीं अपनाया। उन्होंने उसी मसीहा को मरवा डाला जिनका वो इंतजार कर रहे थे। आज भी लोग उसी मसीहा का जन्मदिन कह जोर शोर से मना तो रहे हैं, मगर क्या सभी के दिल में मसीह है? आज इस क्रिसमस सीजन में चरनी में जन्मे यीशु की प्रशंसा के गीत तो गा रहे हैं, मगर इस बात को भी जांचिए कि क्या यीशु मसीह ने आपके जीवन में जन्म लिया है। क्या उस चुंबक का असर आपके लोहे के हृदय में हुआ है? क्या आप भी उसके स्वभाव के संभागी हो रहे हैं? और आंसर नहीं है तो बाहरी दिखावों का क्या लाभ? दिखने में हेरोद का बना मंदिर भी सुंदर और मनमोहक था, मगर जिस परमेश्वर के नाम से उसे बनाया गया, जिसके सबसे भीतरी भाग में जिसे अति पवित्र स्थान कहा जाता था, जहां पर परमेश्वर का प्रेजेंस उतर कर आता था, उस जगह पर खुद यीशु मसीह की कभी एंट्री ही नहीं हो पाई, क्योंकि वहां रिचुअल और कस्टम के हिसाब से सिर्फ महापुरोहित ही जा सकते थे। जिसके लिए आलय बना, खुद उसका प्रवेश वहां पर वर्जित किया गया। जिसके लिए वो पहले आया, खुद उन्होंने उन्हें मरवा डाला। रिचुअल और कस्टम ने हमेशा मसीह को पहचानने और अपनाने से इनकार ही किया। कहीं ये गलती हमसे भी ना हो जाए। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि ये क्रिसमस मंथ एक ऐसा अवसर बने कि लोग मसीह के करीब आए और उनसे जुड़े रहे, अपने पापों से मुंह फेर कर पवित्रता की ओर पवित्र आत्मा के साथ उस सफर के भागीदार बने जिसका अंत मसीह के साथ अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म सुसमाचार है, उनके क्रूस में मृत्यु और तीसरे दिन उनका जी उठना ही सुसमाचार है। उद्धार का एकमात्र रास्ता सबके सामने खुल गया है और यहाँ आपका प्रवेश वर्जित नहीं है। और आइए इस खुशी को एक दूसरे के साथ बांटे, लोगों के साथ बांटे, पूरी दुनिया के साथ बांटे। तो यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।